फ्रेंड्स, तो इस लेसन में फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे राग भैरव का बंदिश। ये पिछले लेसन में मैंने अंतरा दिया था, ये थर्ड अंतरा है क्योंकि स्पेशली क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं थर्ड अंतरा। और इस लेसन से रिलेटिव मैं आप लोगों को इस अंतरा का कंप्लीट करने के बाद, अंतरा फाइनल हो जाएगा इसके बाद, कुछ बेसिक चीज़ें म्यूजिक से रिलेटिव, गिटार से रिलेटिव, संगीत से रिलेटिव, थ्योरिकल आप लोगों को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थ्योरी आप लोगों को कुछ बताएंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये फाइनली कर लेते हैं, इसके बाद थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राग भैरव का आरो और अवरो करेंगे। राग भैरव में दो स्वर कोमल है, ऋषभ यानी रे एंड सेकेंड ध नोट्स कोमल, ये रे कोमल है, ये शुद्ध है, सोल कर देता हूँ। ओके एंड अवरो। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन नोटेशन नौवीं मात्रा से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गामा ध ध प ध प प ग म रे रे सा, गामा ध ध प ध प प ग म रे रे सा, म ग म ग रे ग म प म ग म ग रे रे सा। ओके, ये स्थाई हम बजे प्ले कर रहे हैं, इसको स्लोली स्लोली कर देते हैं। गामा ध ध प ध प प ग म रे रे सा, म ग म ग रे ग म प म ग म ग रे रे सा, सा ग म प प ध सा नि ध नि सा नि ध प म प ध प म ग रे सा, सा ग म प प ध सा नि ध नि सा नि ध प म प ध प म ग रे सा। ओके एंड अंतरा, सेकंड अंतरा, फोर टाइम म म म म म प प ध ध सा 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 रे सा सा। ओके, प्रात समय उठे वान उदय भयो, नोटेशन म म म म प प। ओके, म म म म प प ध ध सा 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 रे सा सा, प प प प प ध प प प ध सा 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 अंतरा। सा ग म प प ध सा नि ध नि सा नि ध प म प ध प म ग रे सा। ओके, तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया राग भैरव का बंदिश। ओके फ्रेंड, डी मेजर स्केल में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ म्यूजिक से रिलेटिव, संगीत से रिलेटिव, गिटार से रिलेटिव, थ्योरिकल थ्योरी नोट्स, फाइनली बेसिक चीज़ों। तो आइए स्टार्ट करते हैं संगीत से रिलेटिव कुछ चीज़ें। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैंने अभी राग भैरव का बंदिश कंप्लीट किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो म्यूजिक से रिलेटिव है, संगीत से रिलेटिव, गिटार से रिलेटिव। ओके, तो सबसे पहले तो हम काउंटिंग करेंगे गिटार में स्ट्रिंग। ओके, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, आंसर क्या होता है, गिटार में कितने स्ट्रिंग होते हैं। ओके, तो मैं आज इस लेसन में, इस वीडियो में फाइनली क्लियर कर दूंगा कि गिटार में कितने स्ट्रिंग टोटल होते हैं। स्पेनिश गिटार में 6 स्ट्रिंग होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट स्ट्रिंग को ई बोलते हैं, सेकेंड बी बोलते हैं, थर्ड जी, फोर्थ डी। मैं स्लोली स्लोली करता हूँ। गिटार में 6 स्ट्रिंग होते हैं, फर्स्ट 1, 2, 3, 4,
फाइव एंड सिक्स स्ट्रिंग। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर स्ट्रिंग, डी, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड ई स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड, स्ट्रिंग को ट्यून कैसे करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग को ई से ट्यून करते हैं ट्यूनर से, सेकेंड को बी से ट्यून करते हैं, थर्ड स्ट्रिंग को जी से ट्यून करते हैं, ओके, फोर स्ट्रिंग को डी से ट्यून करते हैं, फिफ्थ स्ट्रिंग को ए से ट्यून करते हैं, सिक्स स्ट्रिंग को ई से ट्यून करते हैं, यानी ई बी जी डी ए ई। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्लियर किया सिक्स स्ट्रिंग को कैसे कैसे ट्यून करते हैं, गिटार में कितने टोटल स्ट्रिंग होते हैं। ओके, एंड सेकेंड बेसिक थ्योरी। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है स्पेनिश गिटार में साउंड होल कितने होते हैं। ओके, तो पिछले सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा, स्पेनिश गिटार में केवल साउंड होल एक ही होते हैं, वन पीस। देखिए, इसको बोलते हैं साउंड होल, यहाँ से साउंड आते हैं, यहाँ से साउंड आते हैं, इसको साउंड होल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड सेकेंड बेसिक, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, डी मेजर स्केल का कॉर्ड बजाने आता है, ओके, नोट्स क्लियर नहीं होता है, नोट्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें डी मेजर स्केल में, तो मैं इस लेशन में सारे नोट्स क्लियर कर दूंगा। डी मेजर प्रॉपर कॉर्ड बजाने में आप लोगों का क्या क्या नोट्स यूज होता है, तो डी मेजर प्रॉपर कॉर्ड अगर आप प्ले करते हैं तो डी मेजर स्केल में तीन स्वर यूज होते हैं, स, ग, प, फाइनली हो गया। ओके, एंड सेकेंड बेसिक थ्योरी, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है डी माइनर स्केल प्ले करते हैं, ओके, डी माइनर स्केल में तीन स्वर कोमल होते हैं, तो मैं इस लेशन में, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा डी माइनर स्केल में कौन कौन से नोट्स कोमल होते हैं। ओके, तो फाइनली डी माइनर स्केल में तीन स्वर कोमल होते हैं, पहला स्वर ग, दूसरा फर्स्ट वन ग, सेकेंड ध, थर्ड नी, ग ध नी या नी ध ग, तीन स्वर कोमल होते हैं, वन टू थ्री, ग ध नी, तीन स्वर फ्रेंड्स कोमल होते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया चार क्वेश्चन बेसिक थ्योरिकल। ओके, एंड सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है अगर वो म्यूजिक सीखना स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक से रिलेटिव, तो म्यूजिक से रिलेटिव फ्रेंड्स संगीत किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल से एक ही वर्ड है, गायन, वादन एंड नृत्य, इन तीनों को मिलाकर, तीनों शोरों को मिलाकर के इनको बोलते हैं संगीत, गायन, वादन एंड नृत्य, संगीत बोलते हैं। ओके, गायन, वादन, नृत्य को संगीत कहते हैं। ओके, एंड थर्ड, सेकेंड क्वेश्चन, ओके, आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट टाइम म्यूजिक सीखना स्टार्ट करते हैं तो नोट्स क्लियर नहीं होते हम लोगों को। ओके, तो मैं इस लेशन में सारा नोट्स क्लियर कर देता हूँ। संगीत में फ्रेंड्स टोटल 12 स्वर होते हैं, यानी 11, 12, 12 स्वर होते हैं, कैसे स्वर होते हैं, 7 स्वर शुद्ध होते हैं, यानी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 7 स्वर क्या है, पहला स्वर स, रे, ग, म, 1, 2, फर्स्ट स, रे, ग, म, मैं प्ले करता हूँ गिटार में, में सारा डिटेल में नोट्स क्लियर करूंगा, सा,
सात स्वर शुद्ध होते हैं ओके संगीत में, चार कोमल होते हैं। कोमल क्या स्वर है? ये शुद्ध भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। तो मैं पहले कोमल स्वरों की बात करता हूँ। रे ग ध नि, रे ग ध नि। सेवन सात शुद्ध होते हैं, फोर यानी चार कोमल होते हैं। तो कितने हो गए? काउंटिंग कीजिए। सेवन एक स्वर होते हैं टिप यानी वन टिप। म स्वर को तीव्र यूज होते हैं, म शुद्ध भी यूज होते हैं, म तीव्र भी यूज होते हैं। तो कितने स्वर हो गए संगीत में? स्वर हो गए 12। ओके फ्रेंड, एंड सेकेंड बात करते हैं। संगीत में कौन सा स्वर होता है जो तीव्र होता है? बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है ओके। तो संगीत में एक ही स्वर होते हैं जो तीव्र यूज होते हैं, उस स्वर का नाम है फ्रेंड्स म। अभी मैंने बताया है आप लोगों को म, इसे म बोलते हैं। म स्वर तीव्र यूज होते हैं संगीत में ओके। ये म तीव्र है, ये शुद्ध है, ये तीव्र है, संगीत में चार स्वर कोमल होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया 11, 12, 12 स्वर डिटेल। तो चार स्वर कोमल कौन कौन से होते हैं? रे ग ध नि ओके, रे ग ध नि ओके फ्रेंड। तो नेक्स्ट, एक सप्तक में टोटल स्वर कहते हैं। सप्तक फ्रेंड्स होता है तीन स्वरों से, मध्य मध्यम ताल सप्तक। यानी हम लोग अगर डिटेल में बात करें तो तीन स्वर होते हैं, सबसे हाई बीच का इसके नीचे। तो ये हो गया सप्तक। एक सप्तक में टोटल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं यानी 12। कैसे काउंटिंग करें? मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले में इसके पहले वाले थे ओके फ्रेंड्स। कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7 सात स्वर शुद्ध हो गए। ये हो गए सप्तक में सात स्वर शुद्ध, चार कोमल एक तीव्र। तो ये हो गए 12 स्वर ओके फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट सी मेजर स्केल में फर्स्ट स्वर का क्या यूज है? ये बहुत सी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ फ्रेंड, जो म्यूजिक से रिलेटिव है, गिटार से रिलेटिव, संगीत से रिलेटिव ओके। आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ओके। सी मेजर स्केल अगर हम प्ले कर रहे हैं, प्रॉपर हम कोई भी स्केल प्ले करते हैं सॉन्ग बजाने के लिए, तो इसमें नोट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो इसलेशन में मैं क्लियर करूंगा। सी मेजर स्केल के पर नोट्स को, सी मेजर स्केल के पर नोट्स को वेस्टर्न में क्या कहते हैं? यानी वेस्टर्न का जी नोट ओके फ्रेंड्स, वेस्टर्न का जी नोट। वेस्टर्न की बात करें तो यानी प नोट्स को वेस्टर्न में बोलते हैं जी ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रॉपर अगर हम लोग गिटार सीखते हैं तो फाइनली एक सिंपल सा कॉर्ड भी सीखते हैं, ई माइनर स्केल। बहुत ही सिंपल है, इसमें दो फिंगर यूज हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर कॉर्ड है। बहुत ही पॉपुलर कॉर्ड है ई माइनर कॉर्ड। तो इसमें कौन कौन से स्वर यूज होते हैं? ई माइनर कॉर्ड में मैं इसलिए फाइनली
ई माइनर कॉर्ड में दो स्वर यूज होते हैं, बहुत ही सिंपल स्वर है, स प। ओपन स्वर स प। ओके, तो इस लेसन में मैं बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों आप लोगों को सिखाता हूँ। ओके, फाइनली एंड नेक्स्ट सी मेजर स्केल कॉर्ड में, यानी सी मेजर स्केल कॉर्ड अगर हम प्ले करते हैं तो इसमें कौन सा स्वर मेरा यूज होता है? पहला नोट स, यानी वेस्टर्न का सी, सी डी ई, सी डी ई, यानी ग, हिंदी का ग, तो ये मेरा हो जाएगा स ग। प्रॉपर अगर हम लोग सी मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं तो मेरा नोट यूज होता है स ग। ओके फ्रेंड्स, इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है स। तीन नोट्स यूज होते हैं इसमें, मैं छोटी छोटी बताता हूँ। इसको काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तार सप्तक का श। तो मेरा यूज हुआ सी मेजर स्केल में स ग। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक थ्योरी, ओके, प्रैक्टिकल थ्योरी कंप्लीट कराया है मैंने फाइनली। ओके, तो आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट थ्योरी के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।